हेलो फ्रेंड्स दिस इज़ सुष्मिता वेलकम टू एजुकेशन एड डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट जी के जी एस के क्वेश्चन थाउजेंड जी के जी एस के क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की हुई है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में करा रही हूँ जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या फिर पूछे जा रहे हैं तो ये पार्ट टू है पार्ट आपने अभी तक वो पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है जो हो चुका है वो चैनल की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं और आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी एग्ज़ाम्स के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा एंड तक देखिएगा वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है तो चलिए शुरू करते हैं लेट्स गेट स्टार्टेड फर्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट वुमेन इन वर्ल्ड टू हैव क्लाइंब्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस संसार की पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट दो बार चढ़ी थी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू हैव क्लाइंब्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस वो फर्स्ट वुमेन कौन थी जो माउंट एवरेस्ट पर दो बार चढ़ी थी तो वो थी संतोष यादव संतोष यादव वर्ल्ड की फर्स्ट वुमेन थी जो माउंट एवरेस्ट पर जिन्होंने दो बार चढ़ाई की थी ठीक है क्वेश्चन सेकेंड इज द ओल्ड माउंटेन्स इन इंडिया अकॉर्डिंग टू जोग्राफिकल हिस्ट्री ज्योग्राफिकल हिस्ट्री के अकॉर्डिंग ओल्ड माउंटेन्स बताइए इंडिया के तो ये हैं अरावलीस अरावलीज, अरावलीज माउंटेन्स इंडिया में यू नो you know, बहुत ओल्ड हैं बहुत पुराने माने जाते हैं ठीक है थर्ड इज द टोटल नंबर ऑफ पुरान्स रिटर्न ड्यूरिंग द वेदी केज़ के दौरान कितने पुरान्स लिखे गए थे उनकी संख्या आपसे पूछी गई है टोटल नंबर ऑफ पुरान्स तो ये हैं एटीन एटीन पुरान्स रिटर्न ड्यूरिंग दैदिकेज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन कंप्यूटर नेटवर्क टर्मिनोलॉजी वेन स्टैंड फोर आपसे पूछा गया है वेन की फुल फॉर्म तो ये है वाइड एरिया नेटवर्क वाइड एरिया नेटवर्क बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बहुत सारे बच्चे तो इसका आंसर जानते ही होंगे जैसे लेन है एल ए एन लोकल एरिया नेटवर्क तो ये है वेन डब्ल्यू ए एन वाइड एरिया नेटवर्क फिफ्थ इज होमर वॉज द ग्रेट पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज होमर एक बहुत ही महान कवि थे बहुत ही ग्रेट पॉइट थे तो वो किस लैंग्वेज में अपनी पोइट्री करते थे या किस लैंग्वेज के वो थे तो वो थे ग्रीक लैंग्वेज किस लैंग्वेज के थे ग्रीक लैंग्वेज सिक्स क्वेश्चन इज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक ब्लू माउंटेंस रिविजिटेड आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ब्लू माउंटेन्स रिविजिटेड एक बहुत ही फेमस बुक है उस बुक के ऑथर का नाम बता दीजिए तो ये है पीटर टॉमकिनस पीटर टॉमकिंस फेमस बुक ब्लू माउंटेन्स रिविजिटेड के ऑथर हैं क्वेश्चन सेवन इज द मेजर वर्क ऑफ सर इसाक न्यूटन इज इसाक न्यूटन का नाम तो हर किसी ने सुना होगा ठीक है आपसे पूछा गया है इनका मेजर वर्क क्या था तो इनका मेजर वर्क था प्रिंसिपिया क्या था प्रिंसिपिया आई होप गाइस वीडियो पसंद आ रही होगी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक like जरूर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लग रही है साथ ही कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एथ क्वेश्चन इज हु ऑथर ऑफ द बुक सेलेस्टाइन विज़न दी सेलेस्टाइन विज़न के ऑथर का नाम आपसे पूछा गया है तो ये है जेम्स रेडफील्ड जेम्स रेडफील्ड सेलेस्टाइन विज़न के ऑथर हैं नाइन्थ इज एच जी वेल्स इज नॉन एज ए एच जी वेल्स किस मतलब कै, मतलब कैसे जाने जाते हैं तो वो साइंस फिक्शन राइटर के तौर पर जाने जाते हैं कौन थे वो साइंस फिक्शन राइटर थे एच जी वेल्स टेंथ क्वेश्चन इज तुकार रॉट हिज डिवोशनल सॉन्ग्स इन दिस लैंग्वेज तुकाराम ने अपने डिवोशनल सॉन्ग्स किस लैंग्वेज में लिखे थे तो ये लिखे थे मराठी लैंग्वेज में उन्होंने लिखे थे तुकाराम रॉट हिज डिवोशनल सॉन्ग्स इन मराठी लैंग्वेज इन विच लैंग्वेज मराठी लैंग्वेज तो गाइज ये थे टेन क्वेश्चन आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और पार्ट फर्स्ट में हम करी चुके हैं टेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टेन टेन क्वेश्चन करेंगे हर वीडियो में तो आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक और ये बेल आइकन है बेल आइकन को भी प्रेस कर लें इससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन अपडेट आप सभी को मिल जाएगी और आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं मुझे सुष्मिता त्यागी ऑफिशियल मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप जाके चेक कर सकते हैं और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्स फॉर वॉचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मुस्कुराते रहें